हेलो दोस्तों, वेलकम टू कन्फाइडर इंडस्ट्रीज। मैं हूं हार्दिक पटेल और आज हम आपके लिए लाए हैं एसएस पल्वराइजर विद ब्लोअर सिस्टम एंड विद साइक्लोन सिस्टम। आज तक हमने अभी देखे सभी मॉडल आपने देखे, जैसे कि 2 HP, 3 HP, 5 HP सिविल, किसी में भी ब्लोअर नहीं आता, किसी में साइक्लोन नहीं आता। और अभी ये नया टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इसमें एक साइक्लोन लगाया जाता है और नीचे के साइड ब्लोअर रहता है। तो सभी लोग कस्टमर रहता है जानना कि ब्लोअर क्या काम करता है और साइक्लोन क्या काम करता है। तो साइक्लोन से क्या रहता है हमारा, जनरली साइक्लोन से जो भी आटा निकलता है, जो आटा वो खींच के डायरेक्ट साइक्लोन के अंदर जाता है और नीचे की साइड यहाँ पे जो कपड़ा लगा है वहाँ पे आटा कलेक्शन होता है। और ऊपर की साइड जो कपड़ा लगा है, साइक्लोन क्या करता है, जो हवा जो रहेगी वो ऊपर की साइड की ये वाली थैली से हवा बाहर निकल जाएगी और छोटे मोटे बहुत ही जो डस्ट पार्टिकल जैसे होते हैं वो इसमें आटा चिपक जाएगा। ठीक है, ये पूरा SS आएगा ये मशीन के साथ। SS भी हॉपर है, पूरा SS हॉपर, चैम्बर भी SS का डबल है, चैम्बर है। ठीक है, नीचे जो डक्टिंग रहता है वो भी पूरा क्या है, पूरा SS का रहता है। नीचे ब्लोअर है वो भी SS का रहता है और डायरेक्टली जो खींचता है वो अपना MS सिस्टम रहता है। ये आप देख सकेंगे बहुत ही इकोनॉमिक और लो प्राइस में बजट में मिल जाएगा आपको। इसमें डबल चैम्बर में 2 मॉडल आते हैं, इसमें आप 5 HP, 7.5, 10 और 15 HP के भी इसमें आप मोटर फिट कर सकते हैं। मशीन के साथ ऐसा है कि इसमें जो जाली आती है वो 6 जाली अलग अलग आती है और एक क्लीनिंग ब्रश दिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से भी इसके सिवा एक्स्ट्रा भी जाली आपको चाहिए तो वो भी मिल सकती है। अभी चलिए हम देखते हैं कि चैम्बर के अंदर जो डोर ओपन करते हैं तो अंदर ब्लेड का मैकेनिज्म कैसे है। आप देख सकते हैं कि डोर जो है वो भी कितना हैवी थिकनेस में बनाया गया है। ठीक है, और अभी आप ये ब्लेड देखते हैं सिस्टम, जो नीचे के साइड बेल से कनेक्टेड है और आप वहाँ पे मोटर फिट कर सकते हैं। ये पूरा SS का ब्लेड बनाया हुआ है, अंदर की साइड भी 4 ब्लेड है, यहाँ पे भी 4 है। इसके साथ आपको 6 ब्लेड वाला और कास्टिंग के अंदर भी चाहिए तो आपको ये 4 ब्लेड की जगह पे तो आपको 6 ब्लेड वाला मिल जाएगा और वो भी कास्टिंग के साथ, नहीं कि वेल्डेड। और ये आप इसका देखेंगे तो यहाँ से इस चैम्बर का साइज जो है वो 14 इंच है और अंदर जो डेप्थ है यहाँ से वो 7 इंच है, और अंदर वाला जो चैम्बर है वो 9 इंच है डायमीटर में और डेप्थ में 3 इंच है। तो इस हिसाब से हमारा डबल चैम्बर बनता है। नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पे आटा कैसे जाता है नीचे की साइड और हमारा यहाँ से कलेक्ट कर नीचे कैसे होता है। यहाँ से भी हमने एक होल दिया है जहाँ एयर निकालने के लिए, जिससे क्या होता है ज़्यादा जो हवा बनती है वो हवा यहाँ से भी कलेक्ट होकर बाहर निकल जाती है और बाकी साइक्लोन में भी जाती है, जिससे क्या रहता है आटा की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलता है। जैसे कस्टमर की फरियाद रहती है कि आटा जल जाता है या क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, चिपचिपा मिलता है, तो वो चीज़ ये मशीन के अंदर नहीं होगी। ठीक है, अभी हम पीछे के साइड देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ आती है। अभी हम इसके पीछे की साइड जाते हैं तो बाकी दूसरे कंपनी के आपने मशीन देखे हुए तो उसमें क्या करता है, हर कोई जो ब्लोअर के लिए वो अलग से मोटर लगाते हैं और 2 HP का अलग से हमारा पावर कंजप्शन जाता है। 2 HP का मोटर हम लगाएंगे तो हमारा 1.5 यूनिट जलेगा पर आवर, तो 1.5 यूनिट का हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि हमने एक बेल लगा दिया है डायरेक्ट ब्लोअर के साथ, जिससे क्या होगा कि अपना बेल के साथ ब्लोअर अपने मशीन के पुली के साथ ही घूमेगा। आप देख सकते हैं ये कितना बेयरिंग से फ्री घूम रहा है। दूसरा इसमें ये दिया जाएगा, एक मोटर का पुली आएगा जिसके हिसाब से आप इसमें होल और चाबी गला मोटर के हिसाब से करा के 2 बेल से अपना मशीन चलेगा। तो आपको जो 2 बेल्ट रहेगी वो 2 बेल्ट है वो मशीन और अपने मोटर की पुली के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, उसमें बेयरिंग दिया जाता है, आप देखते हैं शाफ्टिंग कितना इजीली घूमता है। ठीक है, यहाँ पे बेयरिंग के लिए अपने ग्रीस और अपने ऑयल भी डाल सकते हैं जिससे बेयरिंग का लाइफ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से साइक्लोन का पाइप आता है और कलेक्ट होकर ये पूरा डिसअसेंबल भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी डिसअसेंबल कर सकते हैं, यहाँ से भी डिसअसेंबल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी पार्ट कभी ख़राब होता है तो आपको चाहिए अलग से तो कोई भी पार्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पे हर जगह पे हमने रबड़ का गास्केट लगाया हुआ, जिससे क्या होता है जो लीकेजेस रहता है आटा उड़ता है तो उड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। बाकी हमने ब्लोअर को पूरा के पूरा तीनों साइड से पाँचों साइड से क्लोज करके रखा है। और ये आपकी फ्रेम रहती है मोटर बिठाने की, वो स्लाइडिंग वाली रहती है फिट वाली, तो कोई भी मोटर ये फ्रेम के अंदर फिट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 7.5 HP और 10 HP का ही मोटर फिट कर सकते हैं, आप कोई भी मोटर इसमें फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका वीडियो हम आगे डेमो के साथ यानी आटा ग्राइंडिंग के साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है।
और दूसरे भी जानकारी चाहिए तो हमारे सेल्स टीम का कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।